आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि स्कूल के सॉफ्टवेयर में आपने लाइब्रेरी को कैसे मेंटेन करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एंट्रीज में आएंगे। एंट्री में आके माय लाइब्रेरी ओपन करना है आपने। यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री करनी है आपने न्यू बुक एंट्री पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो जो भी लाइब्रेरी में बुक्स हैं उसकी एंट्री यहाँ पे आप करोगे। यहाँ पे बुक का सेशन नंबर डालोगे। बार कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा सॉफ्टवेयर, या फिर आप मैनुअली भी डाल सकते हो। टाइटल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल बुक का दे रही हूँ कंप्यूटर बुक। यहाँ पे ऑथर नेम आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे पब्लिशर आ जाएगा, एडिशन कौन सा है, ईयर कौन सा था। यहाँ पे पेज कितने हैं टोटल बुक के, वॉल्यूम कौन सा था। लोकेशन भी आप मेंशन कर सकते हो कि लाइब्रेरी में बुक की जो लोकेशन है क्या है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। टॉपिक यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आएगा, वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे सोर्स आ जाएगा, सोर्स मीन्स लाइब्रेरी में जो बुक है वो कहाँ से किसके थ्रू आई है। अगर बुक डिपो से आई है तो आप बुक डिपो का भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास के लिए ये बुक है, तो क्लास नेम भी डाल सकते हो। बिल नंबर, परचेज़ करने के टाइम जो भी बिल नंबर है बुक का वो डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो बिल नंबर की, बिल की। यहाँ पे बुक नंबर आ जाएगा, सीरीज अलग से बनाना चाहते हो आप बुक की तो आप बुक नंबर डाल सकते हो। कॉस्ट कितनी है वो डाल सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको कंपलसरी लगे आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप कुछ खाली छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हो। रिमार्क्स में आपने इस बुक के रिलेटेड कुछ भी नोट करना है आपने तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप सेव कर दोगे एंटर करते हुए। अभी आपने लिस्ट ऑफ बुक्स देखनी है, जो भी बुक की एंट्री करोगे आप यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी। अभी हमने जो एंट्री की है बुक की ये यहाँ पे आ गई है। इस तरह से जितनी भी आप एंट्री करोगे बुक्स की यहाँ लिस्ट ऑफ बुक्स में आ जाएंगी सारी। अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं बहुत सारी, किसी के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो बुक को। जैसे सेशन नंबर है, यहाँ पे आप बुक का सेशन नंबर डालोगे तो वो पर्टिकुलर बुक जो है वो सर्च हो जाएगी। तो इसी तरह से और भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कॉस्ट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, बुक नंबर भी डाल सकते हो, ऑथर का नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, आप किसी के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आप सिलेक्ट ऑल कर दोगे, आप जितनी भी बुक्स होंगी लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगी सारी। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो स्टिकर को आप, अगर आप स्टिकर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपने अगर डाटा जो है बुक्स का इंपोर्ट करना है, सॉफ्टवेयर में लाना है एक्सेल शीट में से, तो आप यहाँ से ऑप्शन दी गई है आपको, आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सेल शीट का जो डाटा है सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो। और इसी तरह से जो भी सॉफ्टवेयर का डाटा है, यहाँ पे बुक की अगर एंट्री की हुई है उसको आपने एक्सेल शीट में लेकर जाना है तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल शीट में। और यहाँ पे ऑप्शन दी गई है अवेलेबल और इशू बुक की। लिस्ट में से जो भी बुक इशू हुई हो चुकी हैं उनको आपने देखना है, तो अवेलेबल को हटा दोगे आपने, यहाँ पे टिक लगा के इशू बुक पे आपने ओके करना है, तो आपके सामने जो भी बुक इशू की गई होंगी वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। अभी बुक इशू नहीं हुई है इसलिए अभी यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा ये। तो अवेलेबल पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके पास बुक्स होंगी लाइब्रेरी में वो आपको सारी दिखा देगा। ठीक है, अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो दोनों को टिक लगा सकते हो। तो अगर आप ये लिस्ट को आपने प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन दी गई है प्रिंट की। तो अभी हम ये जो बुक की एंट्री की है इसको मान लीजिए आपने इशू करना है स्टूडेंट को, तो आपने इशू बुक पे क्लिक करना है। यहाँ पे एंटर करेंगे डेट, इशू डेट आ जाएगी, सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डालोगे आप, या फिर आप F4 से सर्च कर लोगे एडमिशन नंबर को,
यहाँ पे मैं एडमिशन नंबर डाल रही हूँ, एंटर करूँगी। एडमिशन नंबर डालते ही हमने जब एंटर किया उसको, तो यहाँ पे उसने स्टूडेंट की डिटेल उठा ली है सॉफ्टवेयर ने। तो यहाँ पे बुक का सेशन नंबर डाल देंगे हम, एंटर करेंगे। सेशन नंबर डालते ही यहाँ पे बुक की डिटेल आ गई है, ठीक है। इस तरह से आपने बस एंटर करते हुए इसे इशू कर देना है या फिर इशू पे क्लिक कर दोगे आप। ओके करेंगे। इस तरह से जो बुक है वो इशू हो चुकी है। तो जो भी हमने बुक इशू की है उसका जो है अलग से रजिस्टर बन जाएगा। यहाँ पे बुक इशू रजिस्टर है, इस पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी बुक आपने इशू की होंगी तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर किसी की बुक को सर्च करना है आप यहाँ पे आप वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो बुक को। तो इसके अलावा यहाँ पे पेंडिंग बुक्स देख सकते हो कि कौन सी बुक जो है वो पेंडिंग है, मतलब जो भी इशू हो चुकी है अभी रिसीव नहीं की है हमने। जैसे ये इशू की हुई है बुक, ये पेंडिंग में दिखा दिया कि पेंडिंग है, अभी वापस नहीं आई है लाइब्रेरी में बुक्स। तो अभी जब हमने रिसीव करनी है बुक, तो आपने यहाँ पे रिसीव बुक पे क्लिक करना है। वही प्रोसीजर है, आपने सेम एडमिशन नंबर देना है, जो बुक वापस करने आया है स्टूडेंट उसका आप एडमिशन नंबर डालोगे। यहाँ पे सेशन नंबर डालना है बुक का, यहाँ पे आपने बस रिसीव कर लेना है। इस तरह से जो बुक है उसको आप रिसीव कर लोगे, इसका अलग से एक रजिस्टर बन जाएगा। बुक रिसीव रजिस्टर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो भी बुक आपने रिसीव कर ली है उसकी लिस्ट आ जाएगी, किस डेट को की है, डेट वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बुक लेज़र बन जाएगा, अगर आपने चेक करना है, लेज़र चेक करना है पर्टिकुलर स्टूडेंट का, जिसका भी आपने चेक करना है उसका एडमिशन नंबर डालोगे स्टूडेंट का। जैसे अभी हमने 2 नंबर जो एडमिशन नंबर है उसकी एंट्री की थी, तो हमने इसका लेजर देखना है कि कौन सी बुक इसको इशू की थी, कब वापस आई है, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी है तो आप एडमिशन नंबर डालोगे स्टूडेंट का, एंटर करोगे। और यहाँ पर डेट भी डाल सकते हो, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपने चेक करना है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको सारा दिखा देगा। देखिए इसने सारा बता दिया कि ये जो बुक है इसको राजवीर नाम का जो स्टूडेंट है उसको हमने इशू की थी। तो ये सारी रिसीव डेट कौन सी है, इशू हमने इस डेट को किया, रिसीव इस डेट को किया, तो ये सारी डिटेल आपको सॉफ्टवेयर बता देगा। तो इस तरह से आपने लाइब्रेरी को मेंटेन करना है स्कूल के सॉफ्टवेयर में। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप करना चाहते हो, कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो। थैंक यू।